एक्साइटमेंट अगले चैप्टर का टाइटल। प्राची भागकर अदिति को देखते ही उसकी गले लग जाती है। आदित्य बोला। दोनों कुछ देर तक यूं ही चिपके खड़े रहते हैं, फिर आदित्य की आवाज देने पर अलग होते हैं। अरे भाई कोई हमसे भी मिल ले। ऋषभ, हाँ भाई हमारा क्या है, हम तो बस यूं ही आए। आदित्य आकर फिर आदित्य के गले लगती है। कैसी है मेरी परी? पर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। प्राची बोली, ओ हेलो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? और अब तो वो वापस आ गई है ना, तो अब क्या आप भी आंसू बहाए जा रहे हो? दोनों इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। अदिति फिर ऋषभ के गले लगती है। अदिति बोली, बाकी कोई नहीं आए? आदित्य, अरे वो पापा को ऑफिस जाना था ना, इस वजह से। अदिति सुनकर उदास हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। प्राची गुस्से में ऋषभ और आदित्य की तरफ देखती है। दोनों ही अपना कान पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। अदिति फिर गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये तीनों भी आकर बैठ जाते हैं। प्राची, क्यों गुस्सा कहा है तू? अदिति, कुछ नहीं। आदित्य, अरे परी कोई बात नहीं, शाम तक मिल लेना पापा से। अदिति बोली, भाई अपना चुपचाप गाड़ी चलाओ। आदित्य और ऋषभ आगे देखने लगते हैं। ऋषभ धीरे से, बेटा हमने गलत मंगा ले लिया। आदित्य, हाँ यार मुझे भी लग रहा है। ऋषभ, बता दे क्या? आदित्य बोला, फिर तो और ज्यादा पिटेगा, उससे अच्छा है चुप रहेगा ना, तो ही ठीक है, अभी घर पर जाकर सब भूल जाएगी। और फिर इंग्लिश गाने चला देता है। आदित्य बोली, भाई प्लीज बंद करो इसे। आदित्य, अरे ये तो तेरा फेवरेट है। आदित्य, भाई प्लीज। ऋषभ फिर अपना फोन कनेक्ट करके हिंदी गाने बजाता है और बार बार गाने बदलते रहता है। आदित्य बोली, भाई बंद कर दो ना। ऋषभ गाना बंद करने वाले होता है कि तभी गानों में घाटों में घाट बनारसिया गाने बजने लगता है। पर ऋषभ गाना बंद कर देता है। आदित्य बोली, ये बजने दो। ऋषभ, तू भी अजीब है परी, कभी कहती है बंद कर दो, कभी चालू कर दो। मेरी बहन करूं तो क्या करूं बता। अदिति गुस्से में उसे देखती है। ऋषभ, अच्छा अच्छा चल सॉरी, मैं बजा देता हूँ गाना। और गाना चालू कर देता है। अदिति गाने के हर बोल को महसूस कर रही थी और जैसे उसका मन फिर एक बार बनारस चला गया हो। ऋषभ और आदित्य आगे वाली सीट पर थे और प्राची बस अदिति के चेहरे को गौर से देख रही थी। प्राची बोली, अदिति मुझे तो लगा कि ये सिर्फ तेरा अट्रैक्शन है वो अभिनव, पर नहीं, तुझे तो प्यार हो गया मेरी जान, और वो भी सच्चा वाला इश्क। और मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में चारों की गाड़ी घर के बाहर होती है। अदिति बड़े बुझे हुए कदमों से घर के अंदर आने लगती है और बेल बजाती है, पर गेट खुला हुआ ही था। वो धक्का देकर अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखकर झोंक जाती है। वीर, श्रुति, सनी, सारा, सरिता जी और आलोक जी सामने ही खड़े थे। अदिति देखकर चौंक जाती है। आप सब? और जाकर वीर के गले लग जाती है। वीर, मेरा बेटा आ गया। अदिति, पापा मैंने आपको वहां पर बहुत मिस किया। वीर, मैंने भी। और दोनों की ही आंखें नम हो जाती हैं। वीर, फिर अब बच्चे रो क्यों रहा है, ऐसे रोते नहीं है ना, और उसके आंसू साफ करता है। अदिति बस सिर हिला देती और फिर श्रुति के गले लग जाती है। श्रुति, कैसा है मेरा बच्चा? अदिति, अब ठीक हो ना, अब देख लिया ना आप सबको। और फिर एक बार जाकर उसके गले लग जाती है। फिर वो सनी और सारा की भी गले लगती है। अदिति बोली, हमने आप सबको बहुत मिस किया। सनी, और हमने भी तो अपनी बिटिया को इतना मिस किया कि उसका क्या। अदिति फिर सरिता जी और आलोक जी के पैर छूती है। दोनों से ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। मेरी परी कितनी कमजोर हो गई है। अदिति, क्या भी ना दादी, मैं कहां से कमजोर दिख रही हूं आपको, देखिए कितनी मोटी हो गई हूं। सरिता जी, हट बदमाश, आते ही सताने शुरू। अदिति, और आप कैसे हैं दादू? आलोक जी बोले, अब ठीक हूं, मेरा परिवार जो एक बार साथ हो गया। और मुस्कुरा उठते हैं। अदिति बोले, इस मुस्कान को सबसे ज्यादा मिस किया है हमने दादू, सच कह रहे हैं हम। सरिता जी, बेटा बातें बाद में होती रहेंगी, अभी जाकर फ्रेश हो जा, भूख लगी होगी ना, जाने कब से भूखी है मेरी बच्ची। अदिति, हाँ बहुत जोर की भूख लगी है, मैं यूं गई और यूं आई। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। ऋषभ, बच गए वरना आज बहुत डांट पड़ने वाली थी। आदित्य, अभी कहाँ, एक गई है ना तो दूसरी तो बाकी है अभी। इतने में ही प्राची बोली, पता है चाचू इन दोनों ने क्या किया? आदित्य, ले अब सुन। ऋषभ, आदित्य की चमची? वीर बोला, क्या किया दोनों ने प्राची? प्राची बोली, इन्होंने आदित्य से झूठ बोला कि आप ना काम की वजह से बाहर गए हो, और जिस वजह से वो पूरे रास्ते उदास थी। वीर, तुम दोनों का बचपना कभी खत्म नहीं होगा ना? सरिता जी बोली, कोई बात नहीं, बच्चे हैं सब अभी। सनी, और नहीं तो क्या,
और अगर उसे पहले से पता होता तो उसके चेहरे पर ये खुशी देखने को कहां मिलती। वीर, ये भी ठीक है, तो चलो इस वजह से माफ कर दिया दोनों को, पर याद रखना तुम लोगों की वजह से ना मेरी दोनों गुड़िया उदास ना। आदित्य, जी पापा जी हमें याद है, आप ना हम दोनों को बहुत मारोगे। ऋषभ बोला, चाचू आप इन्हें तो कभी नहीं डांटते। सनी, क्योंकि दोनों तुम्हारी तरह नहीं है। ऋषभ बोला, चल आदित्य मेरे भाई, हम तो किसी काम के ही नहीं। वीर हंसते हुए, हाँ जाओ ड्रामेबाजो तुम दोनों। और दोनों जाकर वीर के गले मिल जाते हैं। प्राची, मैं भी। आदित्य, नहीं तो हमारी शिकायत कर ले बस तू तो। वीर, आ जा बेटा। इतने में अदिति आती है और मुझे तो सब भूल ही गए, और वो भी आकर वीर के गले लग जाती है। सरिता जी, सच कितने खुश हैं सभी, हे भगवान बस इन्हीं खुशियों को किसी की नजर मत लगने देना। श्रुति और सारा बोले, अगर आप सबका भरत मिलाप हो गया तो आ जाइए, खाना लग चुका है। सभी फिर खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अदिति, वाओ खाने की ऐसी सुगंध, पापा सब आपने बनाया है ना। वीर, सबने मिलकर बनाया है। अदिति, आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। वीर, हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर सभी गप्पे मारते हुए खाना खाते हैं। और अदिति तो बस बनारस और इंडिया के बारे में बात करती रहती है। प्राची बोली, लग रहा है बनारस से तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। अदिति, वो तो है। प्राची उसे आंख मारती और अदिति उसे इशारे में चुप रहने को कहती है। डिनर के बाद सभी हॉल में बैठ जाते हैं और फिर शुरू होता है अदिति के किस्सों का दौर। ऐसा लग रहा था जैसे इन दो सालों में उसने दुनिया की सारी खुशियां पा ली हो, और बनारस की घाटों का तो जिक्र और वहां की कहानियों में ऐसे खो जाती है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस सब के बीच उसे ये भी एहसास नहीं रहता कि उसे अभिनव को फोन करके बताना है कि वो घर पहुंच गई। देर रात के वक्त सभी सोने चले जाते हैं और अदिति प्राची एक साथ अदिति के कमरे में होते हैं। प्राची बोली, इतना गहरा वाला इश्क हो गया तुझे बनारस से। अदिति, हाँ बहुत ज्यादा। प्राची, और बनारस वाले से। अदिति, उस शिट यार, उसे तो बताया भी नहीं कि मैं पहुंच गई हूं घर पर, और अपना फोन ढूंढती है, पर वो स्विच ऑफ था। प्राची, मेरे फोन से कर ले। अदिति, उठाएगा नहीं वो, और अपना चार्जर ढूंढती है पर उसे चार्जर मिलता नहीं और वो परेशान हो जाती है। प्राची बोली, क्यों परेशान हो रही है, और अपना फोन एक बार फिर उसे दे देती है। अदिति उसका फोन लेकर अभिनव को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देती है कि वो घर पहुंच चुकी है और सुबह में कॉल करेगी, और फिर प्राची के साथ बातों में लग जाती है। प्राची, तो शुरू से बता कि क्या क्या हुआ। अदिति फिर उसे अभिनव से मिलने से लेकर उससे लड़ाई, उसका इजहार और सारी बातें बता देती है। प्राची बोली, तो मैडम के दिल पर किसी और का हक है अब। हाँ, अदिति बस मुस्कुरा देती है। प्राची, यार ये तेरा अभिनव तो बिल्कुल फिल्मी हीरो टाइप लगता है। अदिति, लगता क्या, वो है ही हीरो। दोनों काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और फिर सो जाते हैं।